हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल एंजॉइंग? ओके, होप यू ऑल आर एंजॉइंग द ईवीएस लेक्चर्स एंड डूइंग योर वर्क ऑन टाइम. ओके, सो व्हाट वी वर डूइंग, वी वर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 4, प्लांट्स अराउंड अस. इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्लांट्स, बिग प्लांट्स एंड स्मॉल प्लांट्स. बिग प्लांट्स मीन्स ट्रीज. And small plants, what we have discussed, which plants we have discussed? About herbs and shrubs. Okay, so today we will learn more about plants. Let's go. Who is here? I am a pea pod. What it is saying? That I am a pea pod. Pea pod, you all know? That pea is matar. Okay, so this complete part of pea, जो पूरा whole pea होता है, outer layer और inner layer, दोनों outer layer and जो अंदर के matar होते हैं, that complete is pea pod. Okay, so this complete is pea pod that grows on a pea plant. अब ऑब्वियसली पी है तो पी प्लांट पे ही ग्रो करेगा. सो पी पॉड ग्रोज ऑन अ पी प्लांट. एज यू कैन सी, पी पॉड आर हेयर ऑन द पी प्लांट. यस, द प्लांट दैट आई ग्रो ऑन हैज अ वीक स्टेम. सी हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेम. ओके, सो स्टेम इज व्हाट? लोअर पार्ट ऑफ एनी प्लांट इज कॉल्ड स्टेम. ओके, सो इट्स स्टैम इज वेरी वीक. इसका स्टैम क्या होता है? बहुत वीक होता है. इट कैन ब्रेक ईजीली. ठीक है, ब्रेकेबल होता है. वीक स्टैम मीन्स ब्रेकेबल होता है. इट कैन बी ब्रेक ईजीली, आराम से टूट सकता है. ओके, एंड नीड्स द सपोर्ट ऑफ अ वॉल और स्टैम टू ग्रो. सो इट इज़ अ वीक स्टैम. अगर इस पे, सी हेयर आर पी पॉट्स, राइट, इस पे और ज़्यादा पी पॉड्स आ जाएंगे तो ये हैवी हो जाएगा. हैवी होने के बाद इट कैन ब्रेक फ्रॉम हियर. उसके जो स्टेम्स हैं दैट विल बी ब्रेक. ओके, टूट जाएंगे वो. तो अगर वो टूट गए तो प्लांट तो वेस्ट हो गया. सो व्हाट वी नीड टू डू, हम क्या कर सकते हैं? वी कैन गिव देम सपोर्ट ऑफ अ वॉल. ओके, बिहाइंड दिस प्लांट यू कैन सी अ वॉल. So this plant needs a support of a wall, okay, or stem to grow. ठीक है, या तो कोई और stem का support दे सकते हैं या फिर wall का support दे सकते हैं, so that it can grow or it cannot break. ठीक है, the pea plant is called a climber. Now why it is called a climber? क्लाइंबर कौन होते हैं? हु आर क्लाइंबर्स? जो ऊपर की तरफ क्लाइंब करते हैं, जो चढ़ते हैं ऊपर, राइट, जो क्लाइंब करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबर. ओके, सो दिस पी प्लांट इज अ क्लाइंबर. मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन आर ऑल्सो क्लाइंबर्स. सो हु, वॉट आर द अदर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर? क्लाइंबर के और कौन से एग्जाम्पल्स हैं? मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन. ओके, सो वॉट वी हैव स्टडीड इन दिस पार्ट? दैट इट इज अ पी पॉड. वॉट इट इज अ पी पॉड? ओके, एंड इट ग्रोज ऑन अ पी प्लांट, राइट, इट इज अ पी प्लांट. द प्लांट दैट आई ग्रो, सो वॉट इट दिस पी इज सेइंग? दैट दिस प्लांट हैज अ वीक स्टेम. इस प्लांट का स्टेम जो होता है, पी प्लांट का जो स्टेम होता है वो बहुत वीक होता है. इट कैन बी ब्रेक ईजीली. उसको आराम से, वो आराम से टूट सकता है, राइट. सो अगर वो टूट जाएगा तो इट विल बी वेस्ट. सो व्हाट वी नीड टू डू इज, वी कैन गिव देम सपोर्ट ऑफ अ वॉल. ओके, द सपोर्ट ऑफ व्हाट? ऑफ अ वॉल और स्टेम. हम उसको सपोर्ट दे सकते हैं ग्रो करने के लिए, राइट. सो हम उसको जो ये पी प्लांट होता है, इफ़ यू वांटेड टू ग्रो तो आपको एक वॉल का सपोर्ट देना पड़ेगा, उसको वॉल से टाई अप करना पड़ेगा,
राइट? तो वॉल का जब आप सपोर्ट दोगे तो इट कैन बी ग्रो इजीली, राइट? सो इसको अब वॉल का सपोर्ट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए. वॉल के ऊपर क्लाइंब करता है ये, राइट? सो इट इज़ कॉल्ड क्लाइंबर. एंड वॉट आर द अदर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर? मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन आर दी अदर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर. ओके, सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट वेरी वेल. नाउ नेक्स्ट, हु इट इज? इट इज पम्पकिन फैमिली. कैन यू टेल मी वॉट इट इज? इट इज पम्पकिन. ओके, सो वॉट इट इज सेइंग? हेलो, वी आर द पम्पकिन फैमिली. ओके, सी हियर टू बिग पम्पकिन्स एंड टू स्मॉल पम्पकिन्स. इट कम्प्लीट इज अ फैमिली. ओके, एज यू कैन सी इट इज अ फैमिली. ओके, सो हेलो, वी आर द पम्पकिन फैमिली. वी ग्रो ऑन द पम्पकिन प्लांट. ऑब्वियसली इफ दे आर पम्पकिन तो दे विल ग्रो ऑन पम्पकिन प्लांट. ओके, पम्पकिन फैमिली है तो पम्पकिन प्लांट पे ग्रो करेगा, राइट? अ पम्पकिन प्लांट हैज अ वीक स्टेम. अ पम्पकिन प्लांट का भी वीक स्टेम होता है, राइट? वीक स्टेम होता है तो ये भी क्लाइंबर हुआ? नो, इट्स नॉट अ क्लाइंबर. व्हाई? लेट्स सी. एंड दस ग्रोज अलोंग द ग्राउंड. ओके, व्हाट इट डू? इट हैज़ अ वीक स्टेम टू, लाइक क्लाइंबर्स, लाइक पी प्लांट. इट हैज़ अ वीक स्टेम. वीक स्टेम है इसका भी पी प्लांट की तरह, बट पी प्लांट को वॉल का सपोर्ट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए. ओके, इट कैन ग्रो ऑन द वॉल. वॉल के ऊपर ग्रो कर सकते हैं. व्हाई? बिकॉज जो पी होते हैं, पी पॉड, वो बहुत लाइट होते हैं एज़ कम्पेयर टू पम्पकिन, राइट? इट इज़ वेरी लाइट एज कम्पेयर टू पम्पकिन. तो दे कैन टेक सपोर्ट ऑफ अ वॉल. बट जो पम्पकिन होते हैं दे आर टू हैवी, बहुत हैवी होते हैं ना पम्पकिन. सो पम्पकिन क्या करते हैं, प्लांट को अगर हम वॉल का सपोर्ट देंगे, राइट, तो उसके स्टेम्स टूट जाएंगे बिकॉज पम्पकिन बहुत हैवी होते हैं एंड इसके स्टेम्स बहुत वीक होते हैं, राइट? सो इट ग्रोज अलोंग द ग्राउंड. ग्राउंड पे ही ग्रो करते हैं वो. ओके, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे ही ग्रो करते हैं. उनको ऊपर हमें किसी चीज़ का सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है. वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो नहीं करते, वो ग्राउंड पर ही ग्रो करते हैं. ओके, सो वी कॉल देम क्रीपर. द प्लांट दैट ग्रोज ऑन ग्राउंड इज कॉल्ड अ क्रीपर. ठीक है, जो ग्राउंड पे ही ग्रो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रीपर. सो क्रीपर्स कैन नॉट क्लाइंब विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट. इट कैन नॉट क्लाइंब लाइक क्लाइंबर. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट बिकॉज दियर फ्रूट्स आर वेरी हैवी. व्हाई? बिकॉज दियर फ्रूट्स आर वेरी हैवी. एज आई सेड, एज इनिशियली आई एक्सप्लेन्ड यू दैट इट्स फ्रूट्स आर वेरी हैवी. पम्पकिन इज़ वेरी हैवी, इसलिए हम उसको वॉल का सपोर्ट नहीं दे सकते. वाटरमेलन एंड गोट आर ऑल्सो क्रीपर्स. सो वॉट आर द अदर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीपर्स? क्रीपर्स के और कौन से एग्जाम्पल्स हैं? वाटरमेलन एंड गोट. ओके, वाटरमेलन एंड गोट, दीज आर द क्रीपर्स. ओके, सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट पम्पकिन. लेट्स रिवाइज. Yes. So what it is saying that we are the pumpkin family. This complete is a pumpkin family. Okay. We grow on the pumpkin plant. Obviously, if they are pumpkins, so they will grow on pumpkin plant. Okay. A pumpkin plant has a weak stem like pea pod. Like pea plant, pumpkin plant also has a weak stem. पी प्लांट की तरह पम्पकिन प्लांट का भी वीक स्टेम है. बट दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड. ठीक है, क्लाइंबर्स जो हमारे पी प्लांट है उसको वॉल का सपोर्ट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए इन अपवर्ड डायरेक्शन. बट जो पम्पकिन प्लांट होते हैं वो ग्राउंड पे ही ग्रो करते हैं, राइट? दैट्स वाई वी कॉल दैम क्रीपर. ओके, सो क्रीपर्स कैन नॉट क्लाइंब विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट बिकॉज दियर फ्रूट्स आर वेरी हैवी. सो उनको वॉल का सपोर्ट क्यों नहीं चाहिए होता है? व्हाई दे डोंट नीड? बिकॉज अगर हम उनको वॉल का सपोर्ट देंगे भी
तो उनके प्लांट्स, उनके जो फ्रूट्स हैं इतने ज़्यादा हैवी होते हैं कि वो फिर भी उनके स्टेम्स टूट जाएंगे, इट विल ब्रेक देन ऑल्सो। सो हम उसको ग्राउंड पर ही ग्रो करने देते हैं, एंड जो प्लांट्स ग्राउंड पर ग्रो करते हैं हम उन्हें बोलते हैं क्रीपर। ओके, एंड वॉट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीपर? क्रीपर के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? वाटरमेलन, गॉर्ड एंड पम्पकिन। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीपर्स। ऑल राइट, सो नेक्स्ट इज डिफरेंट प्लेसेस वेयर प्लांट्स ग्रो। नाउ वेयर कैन प्लांट्स ग्रो? प्लांट्स कहाँ ग्रो कर सकते हैं? वॉट आर द प्लेसेस? आदिस गार्डन हैज ओनली सम काइंड ऑफ प्लांट्स। सो हेयर इन दिस चैप्टर वी वर टॉकिंग अबाउट आदि प्रीवियस प्लांट्स। वी टॉक्ड अबाउट प्रीवियस प्लांट्स इन आदिस ड्रीम। आदि के ड्रीम में हमने बात करी थी प्रीवियस प्लांट्स की। सो हेयर नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आदिस गार्डन। आदि के पास एक गार्डन है। ओके, एंड इन हिज गार्डन देयर इज ओनली सम काइंड ऑफ प्लांट्स। देयर आर नॉट ऑल काइंड ऑफ प्लांट्स। सारे प्लांट्स नहीं हैं वहाँ पर, सिर्फ कुछ ही प्लांट्स हैं। देयर आर ओनली सम काइंड ऑफ प्लांट्स। दिस इज बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस। ओके, सो आदिस गार्डन हैज ओनली सम काइंड ऑफ प्लांट्स बिकॉज why he don't have all kinds of plants? उसके पास सारे plants क्यों नहीं होते, क्यों नहीं है उसके garden में? Because different kinds of plants grow in different places. अलग अलग plants, different plants, they grow in different places. अलग अलग जगह पर वो grow करते हैं. Okay, there are some plants which we can grow in our house. There are some plants which grow in gardens, or there are some plant which grow in some other area. तो सारे plants के अलग अलग areas हैं कि कौन सा plant कहाँ grow कर सकता है। Every plant needs specific weather conditions to grow. So every plant, each and every plant needs specific weather conditions. Specific weather condition means there are some plants which can grow in summer season. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो समर सीज़न में ग्रो करते हैं, या वॉर्म प्लेसेस, हॉट प्लेसेस पे ग्रो करते हैं, मींस गर्म प्लेसेस पर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको ठंडक चाहिए होती है, दे नीड कोल्ड प्लेसेस, राइट? और सम प्लांट्स आर देयर विच कैन ग्रो इन रेनी सीज़न, तो उनको ऐसी प्लेसेस चाहिए होती है जहाँ पर रेन ज़्यादा हो। ओके, सो देयर दीज आर दी स्पेसिफिक वेदर कंडीशंस। ओके, एंड इन इंडिया वी कैन सी कि हमारे यहाँ पर भी हर एक स्टेट में, हर एक सिटी में अलग तरीके से वेदर कंडीशंस हैं, राइट? कि कहीं पर गर्मी ज़्यादा है, कहीं पर ठंडी ज़्यादा है, कहीं पर बारिश हो रही है। ओके, इसीलिए प्लांट्स कंडीशंस के अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं। ओके, इन द प्लेन्स प्लांट्स सच एज राइस, वीट एंड शुगर केन ग्रो। इन द प्लेन्स, प्लेन्स मीन्स देयर आर सम प्लेसेस जहाँ पर माउंटेन्स नहीं होते, सी नहीं होता, उन जगह को हम बोलते हैं प्लेन्स। एंड इन एंड इट हियर पंजाब में भी आप देख सकते हो कि माउंटेन्स नहीं है, कहीं कोई सी नहीं है, बीचेस नहीं है, तो ये एरिया कौन सा हो गया? प्लेन्स। ओके, तो इन द प्लेन्स, प्लेन्स में कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं? राइस, वीट एंड शुगर केन। ओके, दे ग्रो इन प्लेन्स। कोकोनट ट्रीज ग्रो इन प्लेसेस नियर द सी। वेयर कोकोनट ट्रीज ग्रो? कोकोनट ट्रीज कहाँ ग्रो करते हैं? जहाँ पर सी होता है। ओके, सो मैक्सिमम कोकोनट ट्रीज वी गेट इन द एरिया ऑफ सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया। ठीक है, साउथ इंडिया के आसपास पूरा सी है। सो कोकोनट ट्रीज हमें मैक्सिमम कहाँ मिलते हैं? साउथ इंडिया में। ओके, ट्रीज सच एज पाइन, फिर विलो, बर्च एट्सेट्रा ग्रो ऑन द माउंटेन्स। सो देयर आर सम ट्रीज जो कि माउंटेन्स पर ग्रो करते हैं। ओके, देयर आर सम माउंटेन्स एरिया
जहाँ पर माउंटेन्स होते हैं तो वहाँ पर कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं, कौन से ट्रीज, पाइन, फिर, विलो, बर्च एट्सेट्रा, दीज आर द ट्रीज विच ग्रो ऑन द माउंटेन्स, जो माउंटेन्स पर ग्रो करते हैं. ओके, कैक्टस, डेट पाम एंड एकेशिया आर डेजर्ट प्लांट्स. ठीक है, डेजर्ट इन राजस्थान जहाँ पर सैंड होती है, कंप्लीट एरिया इज कवर्ड विद अ सैंड, तो उसको हम बोलते हैं डेजर्ट. ठीक है, तो वहाँ पर कौन से प्लांट्स होते हैं, कैक्टस, डेट पाम, एकेशिया. ओके, एंड डेजर्ट इज वेयर इन अवर इंडिया, राजस्थान. ओके, सो दीज आर द प्लांट्स विच ग्रो इन डेजर्ट. सो एवरी प्लांट नीड डिफरेंट कंडीशंस टू ग्रो. ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो गर्म एरिया में ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सिर्फ ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पर वाटर ज़्यादा है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो वहाँ पर ग्रो करते हैं जहाँ पर सर्दी ज़्यादा है. सो दैट्स व्हाई ईच एंड एवरी प्लांट कांट ग्रो एट वन प्लेस, दे नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस. व्हाई, बिकॉज दे नीड स्पेसिफिक वेदर कंडीशंस, उनकी वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करता है. ओके, कि उनको गर्मी ज़्यादा चाहिए, कोल्डर एरियाज चाहिए, कि वाटर ज़्यादा चाहिए. ओके, इन सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है. ऑल राइट, सो दीज वर दी प्लांट्स एंड दीज वर दी प्लेसेस वेयर प्लांट्स ग्रो. नाउ हियर यू कैन सी प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स. हियर ऑन दिस पेज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द लैंड. ठीक है, ये सारे प्लांट्स जो हैं वो कहाँ पर ग्रो करते हैं, लैंड पर. वाटर में एक भी प्लांट नहीं है. ओके, वाटर के पास हैं पर वाटर में नहीं है. नाउ हियर वी कैन सी सम प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो वाटर में ग्रो करते हैं. ओके, एंड दैट प्लांट्स आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स. उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स. एंड वॉट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, लोटस प्लांट. ओके, they are that found in lakes and ponds. The lotus plant is found in lakes and ponds. Okay, so what are the examples of aquatic plants? Aquatic plants means the plants that grow in water, जो water में grow करते हैं, they are called aquatic plants. Like lotus plant, lotus you have seen, it always grow in water. Okay, like lakes and ponds, जो lakes and ponds होते हैं, right, small area that filled with water. ठीक है, small area जिसमें सिर्फ water होता है, हम उसको lakes और ponds बोलते हैं. Okay, and lotus plant grows in lakes and ponds, right. Seaweed grows in seas and oceans. Okay, so seaweed is also an example of aquatic plant. Seaweed कहाँ पर grow करता है, seas में and oceans में. Okay, तो seas और oceans क्या होते हैं, a large area covered with water, बहुत बड़ा area जिसमें water होता है, हम उसे seas और oceans बोलते हैं. And small area जहाँ पर water होता है, हम उसे lakes and ponds बोलते हैं. Okay, so lakes and ponds में कौन से plants grow करते हैं, lotus plant. एंड सीज और ओशियंस में कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं, सीवीड. ओके, सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स. ऑल राइट, सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट क्लाइंबर्स, क्रीपर्स एंड डिफरेंट प्लेसेस वेयर प्लांट्स कैन ग्रो. ओके, एंड वॉट आर द कंडीशंस ऑन विच प्लांट्स डिपेंड, weather conditions, right? Okay, so now we will meet in next class. Till then, bye bye, take care everyone.